तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी फटाफट मैंने वो बीच की वो मांग काट के हेयर स्टाइल बनाई थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी तो चेंज किया। फ्रेंड आने वाली है और कल का ब्लॉग एंड नहीं कर पाई। इतना मज़ा आया कि ब्लॉग बनाया ही नहीं, तो दो तीन जो क्लिप्स थी वो ऐड कर दूंगी मैं। और आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो देखो अगर मौका मिला तो ऐड करूँगी। मिट्टी मुझे बोल रही थी आप ब्लॉग बनाओ, पर आप समझ नहीं सकते हो कि एक साल के बाद मैं इतना खुश हूँ कि ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा है ना। तो बस निकलती हूँ और देखते हैं जो अच्छा लगेगा, छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर दूँगी आपके साथ ब्लॉग में। और ये नहीं दिख रहा है, सबसे ज़्यादा लाइट यहाँ पे ही है, तो मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा आउटफिट, मैंने चिकन का सूट पहना है और लखनऊ के हैं तो चिकन तो स्पेशल है ही है। और मैं कुछ ज्यादा ऐसे कपड़े लेके नहीं आई थी, मुझे नहीं लगा था कि इतना वार्म वेलकम होगा मेरा। तो खैर मैं चिकन के लेके आई। चिकन तो ऐसा सूट है ना जो एवरग्रीन है और हमेशा अच्छा लगता है। और ये वाइन कलर का कुर्ता है, नीचे मैंने व्हाइट लेगिंग पहनी और व्हाइट दुपट्टा। तो बस मिलती हूँ, मैंने कहा आपको अपना सूट भी दिखा दूँ। ये बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा पफ बनाया है, नॉर्मली मैं बनाती थी बट वहां पे बनाना छोड़ दिया था। बहुत सूट की है। कौन सी क्रीम, मॉइस्चराइजर है क्या कोई ऐसा? फैब इंडिया के मॉइस्चराइजर। तो हम आए थे एलांटे मॉल में और यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग की। और फिर से मुझे व्लॉग अपलोड करने के बाद फिर से अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि होता है ना कॉपीराइट आ गया था। तो मैंने सब लोग मतलब ड्रेस ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं और आदुषी एक जैसी ड्रेस ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है ना। हालांकि मुझे लेना नहीं था, फिर ये लोग आ गए थे लंच करने के लिए। मैं तो लंच करके ही मतलब ब्रंच अच्छा खासा कर लिया था मैंने होटल में ही, तो बस इन लोगों को लंच करना था तो इनके साथ हम भी बैठे थे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स बस अभी आई हूँ मैं, हम लोग गए थे एलांटे यहाँ पर। तो कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, मन नहीं हुआ कुछ भी बनाने का। मतलब ठीक है छोटे छोटे क्लिप्स जो ऐड कर पाई वो किया मैंने, क्योंकि तो दोस्तों के साथ होता है ना कि आप फन कर लो या फिर व्लॉग बना लो। तो यहाँ मेरा आना इतना मतलब रेगुलर नहीं हो पाता है, मैं एक साल के बाद आई हूँ तो लगता है इनके साथ पूरा टाइम इंजॉय कर लो, है ना। व्लॉग बनाने में फिर आप पूरे टाइम यही सोचते रहते हो कि अच्छा इस मोमेंट पे व्लॉग बनाओ। इस बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी। तो काफ़ी चीज़ें देख दोस्ती सिखाते हैं, देखो कि आप कहाँ पे गीतांजलि अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो, आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, कैसे क्या हो रहा है। तो खैर ये सब चीज़ें मैंने सीखी। वो तो है ही भैया, पैसा खाते हैं सिर्फ। और का
अरे कम भी ना खीर इसलिए ज्यादा दिया। क्या देवा अरे मान तो आपको डायरेक्ट है ना। हो रहा है मैं चले ब्रेकफास्ट करने और कहाँ से पे गए थे ऑफिस। आज मुझे जाना है शॉपिंग पे पूरा ड्रेस भी कराऊंगी फिर चल रही ब्रेकफास्ट करने। मैं ऊपर जैसे ही आई मैंने इन लोगों को बोला कि ये लोग दरवाजे के बाहर मतलब दूसरे लोगों का रूम क्लीन कर रहे थे। मैंने कहा पहले आप मेरा कर दीजिए क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, क्योंकि मेरे पास मतलब मेरा जो जर्नी था वो 10 तक था। मैंने प्रीपोन करा के एक दिन पहले कराया तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब मतलब जो काम पेंडिंग है वो तो करने ही करने हैं, तो आज मैं दोस्तों से मिलने नहीं जाऊँगी क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि मुझे यहाँ का मार्केट कुछ भी पता नहीं है। तो मैं काफ़ी कुछ लेके चली थी कि मैं वहाँ पे ये काम करा लूँगी, तो एक दिन मेरे पास स्पेयर था और वो जर्नी मेरी प्रीपोन्ड हो गई तो मुझे लगा कि नहीं आज करा लेती हूँ। तो मैंने कहा भाई फटाफट आके आप काम कर लो क्योंकि रूम क्लीन हो जाता है तो अच्छा लगता है थोड़ा ना कि वापस आओ तो आपको कमरा साफ सुथरा मिलता है। और ये वाले कमरे ना यही लोग अच्छे से साफ करते हैं, हम कर भी नहीं सकते उतने अच्छे से साफ। ब्लू कर्टन ब्राइट होते हैं, ये मुझे पहली बार लगा। मतलब ना मैं भी अभी अगर लेना होगा तो मैं शायद यही कलर के कर्टन्स लूंगी, बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे क्योंकि मेरी वॉल का कलर भी सेम ही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज है हमारी सोसाइटी में जो यहाँ PGI सोसाइटी है वहाँ पे है गणेश पूजा। आज गणेश जी की स्थापना की जाएगी बट उस टाइम पे मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास क्या है आज है 7th 8th और मुझे 9th को जाना है तो मेरे बहुत सारे काम रह गए क्योंकि दो दिन मैं दोस्तों के मतलब मैं चार ही दिन स्टे कर रही हूँ। एक दिन आई थी तो शाम को दो, कल पूरा दिन बारिश होती रही, थोड़ी देर घूमने गई तो बस कल पूरा दिन बारिश होती रही तो शाम को वही वैभव लक्ष्मी के लिए गए थे। रोहन ने कुछ सामान अपना मंगाया था, होता है ना कि सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले जाओ तो अच्छा लगता है बच्चों को भी। मिठी ने कुछ मंगाया था छोटा चुटपुट सामान तो वो लिया मैंने, हालांकि कुछ ऐसा लेना नहीं था। सबने मेरी फ्रेंड्स ने शॉपिंग की पर मैंने नहीं की क्योंकि बात वही है ना कि पहन के जाओ कहाँ है ना, वहाँ पे उतना सोशल सर्कल मेरा नहीं है तो बस इसलिए मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की। विकास मेरे को बोल रहे थे कि ले ले, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, हाथ दर्द हो रहे हैं फ़ोन पकड़ने में, आदत छूट चुकी हो। और यहाँ पर सभी ने बोला बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है तो बस ये एक चीज़ है जिस पे मुझे वर्क करना है। अभी नहीं किया तो फिर पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ मतलब मालूम तो था मोटे हो गए लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऑकवर्डनेस हो गई कि सब मतलब फिट फाट हैं जैसे पहले थे और मैंने वेट पुट ऑन कर लिया। तो खैर इस पे वर्क करना है पहली चीज़ क्योंकि ये मेरा जैसे कहते हैं यही सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके साथ मेरी हेल्थ जो है डाउन हो रही है। तो अभी मुझे जाना है गुप्ता जी की शॉप पे अपने बालों के लिए, मैं सोच रही हूँ हेयर स्पा करवा लूँ, बहुत दिन से ड्यू है, मैं बहुत दिन से क्या मतलब एक साल उससे ड्यू है वहाँ पे, मुझे पता नहीं है पार्लर्स का ज़्यादा। तो आज मुझे ना यहाँ पे कुछ पेन हो रहा था, पता नहीं कुछ नस खिंच गई थी या क्या ना, तो मैंने पेन किलर खा लिया, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो फिर वापस आ करके फिर जाऊँगी गणेश पूजा में। तो अभी तो मैं जा रही हूँ अपने जो पेंडिंग वर्क है उन्हें ख़त्म करने के लिए। 10 बज गया है, नाश्ता कर लिया है, रूम क्लीन हो गया है तो बस स्कूटी है मेरे पास, स्कूटी की चाबी है तो बस निकलते हैं, फिर आके मिलूँगी। और जो ख़रीदा है वो मैं वहीं पे दिखाऊँगी आपको है ना, कहाँ पे हैदराबाद में। तो अभी मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी घर पर अकेले है तो फॉर सम सेफ्टी रीजंस। ये शबनम पार्लर था तो शबनम में मतलब मेरा मैं ज़्यादातर जो भी अपना ट्रीटमेंट कराती थी वो शबनम पार्लर में ही कराती थी तो मुझे यहाँ का हर एक चीज़ पता है। और उसने भी बड़ा अच्छे से बोला मैम ये वाला आप स्पा कराओ ज़्यादा अच्छा होता है, तो अच्छा भी लगता है, हेड मसाज हो जाता है और मतलब मज़ा आ जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलो फेशियल ही करा लें है ना, आए हैं तो हेड मसाज हो गया, थोड़ा फेस मसाज भी करा लिया जाए।
तो ये है शबनम पार्लर, ये था हमारा पंचकुला में थर्ड मार्केट में, तो इतना नोन है। चलते चलते भूख लग गई तो हम यहाँ कार्तिक में आ गए थे, मैंने कहा डोसा खा लें, पर डोसा उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने छोड़ ही दिया था यहाँ पे। ये है कार्तिक रेस्टोरेंट, ये भी ये उसके बाद वाली मार्केट में है। तो एक ब्लाउज़ लेके आई थी जो मुझे एक फंक्शन में पहनना है, तो मुझे लगा लूज़ करा लें, तो यहाँ पर टेलर्स जो हैं वो रोड पर ही बैठे रहते हैं, तो मैंने इसको पैसे दिए थे। और देखो कैसा लग रहा है, तो पंचकुला इतना नून है, मुझे इतना अच्छा लगता है देख के। तो खैर मैंने इसको पैसे दिए थे, ये चेंज कराने के लिए गया था, तो वापस आ रहे थे ये टेलर भैया। तो अभी इनसे पहली बार कराया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर रोड पे हर जगह पे ना हर दूसरी रोड पे ही लोग बैठे रहते हैं, और बहुत टेलर्स होते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो रेड शर्ट पहना है वो है टेलर भैया, और यहाँ मैं आ गई थी गुप्ता शॉप स्टोर पे। तो देखा मैंने, हालांकि विकास जाते रहते हैं तो मैं यहाँ से सामान मंगाती रहती हूँ, और यहाँ मैं आई थी DIY में, तो मैंने सोचा कुछ ले लेती हूँ, इयर रिंग्स या कुछ ऐसा। तो यहाँ से मैंने कुछ दो तीन चीज़ें ली थी, ज़्यादा परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि सामान तो देखो क्या होता है ना कि अगर जितना कम कैरी करो उतना अच्छा है, और ये सब चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। तो मैं देख रही थी ऐसी कोई चीज़ जो वहाँ ना मिले, जैसे मिट्टी को था कि मेरे को मेरे लिए झुमकियाँ कुछ इयर रिंग्स इस टाइप से चीज़ें ले लो। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन बड़े अच्छे से लग रहे थे, पर यहाँ रहते नहीं है, फिर ये कांच के बर्तन लेके जाना ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अच्छा लग रहा था देख के ये। हालांकि हम लोग जब आने वाले थे उसके एक साल या 6 महीने पहले ही खुला था, तो बड़ा मतलब हर एक चीज़ थी यहाँ पे, और बहुत रेट्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और यहाँ मैं आ गई थी मिट्टी के फेवरेट सेक्शन में, तो मैंने कहा थोड़ा इयर रिंग और ये सब चीज़ें लें। एक मैंने शावर कैप भी ली, लाइफ में पहली बार ली थी शावर कैप, तो मतलब अभी तक हालांकि यूज़ नहीं की, बट बड़ा मन होता है ना कि क्या होता है कि ना फ्रंट हेयर्स आपके अगर जो है ग्रे, आप बार बार मूव होते हो या नहाने के टाइम उससे कवर नहीं करते हो तो वो ग्रे हो जाते हैं फ्रंट हेयर्स, तो वो अगर शावर कैप से आप अगर कवर कर लोगे तो आपके हेयर्स जो हैं वो ग्रे नहीं होंगे उतनी जल्दी। और ये था ज्वेलरी बॉक्स, बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसमें 4 स्टेप्स थे, उन्हें आराम से खोल, मतलब हर एक ब्लॉक में आप कुछ ना कुछ रख सकते हो। बस अभी मैं आ गई थी, अभी जस्ट मैं आई हूँ सेविका से मिल के आई हूँ, और मीनू भाभी से मिल के आई हूँ। मीनू भाभी की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो और वो इतने मतलब मुझे बहुत आशीर्वाद देती थी कि जब भी मिलती थी बात करती थी, बड़ा अच्छा लगता था उनसे। पर अभी मैं गई, काफ़ी बीमार थी वो, तो मैं अभी गई तो वो सो रही थी, तो मैंने भाभी को बोला कि अभी उनको सोने दो, क्योंकि क्या होता है जब बीमार आदमी होता है ना तो उसको नींद बड़ी मुश्किल से आती है, तो मैंने कहा नींद आई है तो सोने दो। और मैं मतलब अभी ऐसी सांस फूल रही है, और मैं गई थी कार्तिक के यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है Sector 20 में, तो भूख लग गई थी मुझे, स्पा कराया, फिर स्पा करने के बाद मेरा मन हुआ कि थोड़ा फेस मसाज भी करा लूँ, तो फेशियल भी कराया मैंने। तो उसके बाद भूख लग गई, तो मैंने कहा अभी देखो अपना घर होता तो पट से जाके कुछ चाय नाश्ता करके आते, तो भूख लगी तो मैंने कहा चलो डोसा खाएं। तो जैसे ही मैंने डोसा खाया तो उसका टेस्ट इतना ख़राब था, मतलब ख़राब इन द सेंस, देखो साउथ में पहुंच गया ना, तो साउथ का डोसा और नॉर्थ के डोसे में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बस डोसा नहीं खाया, वैसे ही छोड़ दिया। तो वो आया था, उसने पूछा कि मैम डोसा आपने नहीं खाया, तो मैंने कहा भैया टेस्ट समझ में नहीं आया, सांभर भी बिल्कुल अलग था और डोसा तो मतलब अच्छा नहीं लगा ऑलमोस्ट, तो डोसा और सांभर दोनों ही छोड़ दिए। फिर मन ही नहीं हुआ खाने का, एकदम पेट भर सा गया उसे खाने के, मतलब एक दो हार्डली दो तीन कौरी खाए होंगे मैंने। तो वहाँ से निकले, फिर गुप्ता जी की शॉप पे गए, गुप्ता जी की शॉप पे गए तो कुछ थोड़ा बहुत क्या एक ही सामान लिया मैंने। मिठी ने बोला था वाइट काजल लेके आओ, तो 650 का था, तो मैंने कहा वाइट काजल तो इतना कौन यूज़ करता है, 650 का काजल ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन तो ना डिस्काउंट मिल जाता है काफ़ी चीज़ों में, तो नायका मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऑनलाइन मिल भी जाती हैं और डिस्काउंट रेट में तो क्या है बहुत सस्ती मिलती हैं। फिर मेरे को लगा ओले ले लेती हूँ, तो ओले में भी क्या है, मैंने कहा नायका में डिस्काउंट हो जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है। और बस रोहन के लिए कुछ हाफ पैंट्स लेनी थी तो वो ली मैंने, और कल यहाँ बारिश हो रही थी तो मेरे पास जो मैं एक्चुअली जो सूट्स लाई हूँ उसमें ऑफ वाइट लाइन ही चलती है,
तो बारिश के चलते वो ऑफ वाइट का जो कलर था ना उसमें बारिश का वो लग गया, तो वो साफ़ नहीं हुआ। तो आज मुझे फिर ऑफ वाइट ही पहनना है, तो मैं आज ऑफ वाइट दो लेगिंग खरीद के आई। तो बस वही छुटपुट छुटपुट, और मिट्टी का जो फंक्शन में एक ब्लाउज आज ढीला कराना था वो करा है, तो छुटपुट छुटपुट ही सारे काम कराए। और मीनू भाभी से मिलने पे भी नहीं ब्लॉग बनाया क्योंकि बहुत इमोशनल वो था, मतलब मेरा हाथ पकड़ के बोली गीतांजलि देखो क्या होता है, कई चीज़ें आप कई लोगों से इतना अटैच होते हो ना कि वहाँ पे ये नहीं लगता है कि इस चीज़ का ब्लॉग बनाओ या ये इमोशंस आप किसी को दिखाओ, है ना। रिलेशन रखती हूँ पर जितने भी रखती हूँ बहुत टच रहता है मेरा उनके साथ, उनके इमोशंस के साथ। तो चाहे वन टू वन मतलब मेरा ऐसा कनेक्शन होता है कि मुझे लगता है कि ये शी इज़ द बेस्ट फॉर मी। और मीनू भाभी ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा। एक साल ही मैं उनके साथ रही थी, उनके हम लोग का आमने सामने घर था, पर उन्होंने सच में एक बड़ी बहन कहो, बड़े मुझसे बड़ी हैं, तो कैसे भी करके बहुत ख्याल रखा मेरा उन्होंने, और बहुत भोली बहुत प्यारी हैं। तो आज क्या बोले, माँ बाप के खोने का तो देखो सबको एक अंदर से डर बना रहता है, तो उनकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, वो भी बहुत बहुत परेशान है। तो आप सब भगवान से मनाइए कि किसी के माँ बाप को ना कोई दुख नहीं होना चाहिए, सेहत को लेकर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि सेहत, माँ बाप अगर बीमार होते हैं ना तो उससे बड़ा दुख तो कोई होता ही नहीं है। देखो बस अभी तो स्कूटी से मैं गई थी और वापस आ गई यहाँ पे होटल में, तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। वहाँ पे वो शुरू हो गया था, क्या कहते हैं उसको, भजन और कीर्तन ये सब शुरू हो गया था, पर बहुत थक गई थी मैं, निकल गई थी 10:30 बजे। तो अब बज रहा है कितना, अब 4:15 बज रहा है, 6-6.5 घंटे मैं बाहर रही हूँ। तो थक गई थी, अब मैंने कहा थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, शाम को मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो विकास आएंगे, मत्था टेकने तो जाऊंगी, है ना, शाम को विकास आएंगे तो विकास के साथ घूमूंगी थोड़ा सा, कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो मेरे पास स्कूटर की चाबी है, फिर Sector 7, Sector 9 थोड़ा घूम घाम के आएंगे, है ना। तो बस ऐसे ही चल रहा है टाइम। ये सुनीता दी और पूनम भाभी थे, तो पूनम भाभी के साथ तो मेरा रिश्ता बहुत 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 पुराना है, हम लोग कोलकाता से एक साथ थे। तो मैं शांत बैठी थी तो मुझे बोल रही थी कि चेयर गीतांजलि चेयर अप, डोंट बी क्वाइट, है ना। तो अच्छा लग रहा था। हरे ओम ग्रह ऊर्जा हृदय भक्ताभिप्राय मध्यमाधेम समग्रमपयाम गृहीतु चंद्रायुवाजुषु वस्त्र समर्पयामि वस्त्रपादिवस्तु उपवस्त्रं रक्षोत्रं समर्पयामि वरदां वन्दे शिवां शंकरां आत्मा। तो यहाँ पे रात में प्रसाद था तो सभी लोग प्रसाद खा के जा रहे थे, तो प्रसाद तो देखो हर एक रूप में बहुत अच्छा होता है और ज़रूर खाना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे नीचे बैठ के आराम से खा रहे थे, तो मैंने भी खाया, मैं आरुषि स्नेहल सब लोग थे, तो हम लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। तो बस इसी के साथ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।